जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। MNCG बसना में आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन सबका स्वागत है। मैं बसना से 10 किलोमीटर की दूरी में ये भीखापाली गांव आया हूँ। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की पालन होती है, मत्स्य पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, गाय पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, सहयोग सरकार के द्वारा सहयोग अनुदान राशि भी दी जाती है, ग्राम पंचायतों के द्वारा दी जाती है, बहुत सारा अनुदान भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। और मैं ऐसे शख्स से मिलवाऊँगा जिन्होंने काफ़ी दिनों से बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, मैं उनका नाम पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद, आपके पापा का नाम क्या है? भुरवा। भुरवा, कब से ये पालन कर रहे हो आप? बहुत मुझ बचपना से वो पालन करता। लगभग कितना है आपके पास अभी? 30-32 है। क्या इससे आप संतुष्ट हो भैया, इस पालन से? जब से आप कर रहे हो संतुष्ट हो इस पालन से? हाँ कि अच्छा है, अच्छा कारोबार चलता है, पेट बढ़िया चलता है, परिवार के लोग सभी सहयोग करते हैं, चारागाह की उत्तम व्यवस्था है, ग्राम पंचायतों के द्वारा देखभाल में सहयोग की जाती है? नहीं, कुछ सहयोग किया जाता। आप खुद सहयोग करते हो इसमें? आप सब परिवार वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस पालन में? हाँ, जब मैं कौन कौन चराने जाते हो भैया इसमें? मैं नहीं सकूँ तो हमारे बाबू मन जाते हैं। केठो बाबू हैं? दो ठो बाबू हैं। दोनों बाबू चराने जाते हैं बीच बीच में? जैसे एक दिन तो एक दिन जैसे मतलब कोई आना जाना रहते। अच्छा। तो अभी आपके पास स्टॉक में कितने हैं बोले आप? 32 है। 36 है। कौन कौन सा नस्ल का है? ये जो दिख रहा है ये बड़ा सिंह वाला, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा नस्ल का है ये जो बड़ा दिख रहा है? ये सरदार जैसा दिख रहा है। ये तो देसी है। इनका स्वादिष्ट अच्छा रहता है। खड़ा में कितना में किलो बेच दोगे आप इसको? इसको 450 केजी में बेचोगे। और ये बकरी जो दिख रही है ये कितने कितने महीने में बाल बच्चे देती है? ये 6 महीने में। इनका भी ऑपरेशन होता है क्या? नहीं, बाल बच्चों का नहीं होने नहीं, वाला नहीं। ये भी ऑपरेशन करते हो कि नहीं करते? ऑपरेशन नहीं होता, नहीं करते। हाँ। इसका धुआई मजाई चलता है? तो कभी कभार बाल बच्चे लोग सपोर्ट करते हैं धोने मांजने में। हाँ। अच्छा, और ये जो बच्चे जो दिख रहे हैं वो क्या है? वो बच्ची है कि बच्चा है? बच्चा है। रोग वोग आने पर इलाज कहाँ कराते हो आप? कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? डॉक्टर पथरला में रहता है। सर्दी बुखार मलेरिया टाइफाइड होने पर क्या करते हो इसके? वो डॉक्टर बला के लान था ना, सूजी गोली देते। ठीक है। और इलाज गर्म पानी वानी पिला थो? कोढ़ा भूसा का खवा थो घर में? कोढ़ा भूसा कुछ नहीं, सिर्फ चरा के लान था। के बजे ले के बजे तक चरा थो रोज? हम 9 बजे ले 2-2.5 बजे तक। 2 बजे आके तहाँ जम के खाना खा थो? हाँ, जब आके खाना खाथन नहाथन धोथन। अच्छा, और केठो भेड़ा है अभी स्टॉक में? बकरा केठो है? बकरा मिलछा है, मिलछा 3-3, 4-3, 7। अच्छा, बकरा और मिलछा में? सात दोनों ठन मिलछा है। अच्छा, बकरा और मिलछा में स्वाद में अंतर आता है? हाँ। मिलछा मुलायम आता है क्या? मिलछा मुलायम आते, मिलछा है खुशबू नहीं मारे, बकरा खुशबू मारते। अच्छा, हर चीज के खुशबूदार अच्छा लगते, लेकिन में के खुशबूदार अच्छा का बने? हाँ, लगे तो कौन जाने अब का बार अच्छा नहीं लगे तो। अच्छा, कब से धंधा करो आप मन? बीस पच्चीस साल हो गए। बीच बीच में पैसा के अभाव होते तो बीच बीच में बेच देते हो? हाँ, बीच बीच में अब पैसा की जरूरत पड़ती तो मैं मंडी में बेचे वो बढ़िया लगते कि गांव देहात में कोचिया वोचिया या कोई भी आ जाए? गांव देहात में आ जाए, किसान मन आ जाते हैं, शादी वादी करते ते मन आ जाते हैं, तो खसी मन तो आप मैंने देसी पालन करो तो में संतुष्ट हो कि लंबा कान बड़े सींग या लंबा पूंछ या छोटे पूंछ ये रखना चाहो आप मन? नहीं तो इच में मन संतोष से ने तो और आगे बढ़ाना चाहो आगे, तो धंधा में आगे बढ़ाना चाहत हैं तो लंबा कान वाला लंबा पूंछ वाला भेड़ भी रखो ना, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में भेड़ है। तो ऐसे ऐसे भेड़ रखो जो में चढ़ के आप मन चढ़ान जाई हो, यमराजा जैसे भैंसा में चेक के जाते हैं उसमें भी प्रजाति के रखो ना यार। तो बड़े प्रजाति के मिले तब तो। अच्छा, बाल वाले कर कटिंग छटिंग कर थो? नहीं करो। किरमी उर्मी होते तो कैसे कर थो? किरमी उर्मी होते तो वो बेसी पाउडर लान के। अच्छा, खुरहा चपका होल का कर थो? तो वही मट्टी कर थन गा। अच्छा, एक मुहा वहाँ होल कैसे कर थो? मुहा के तो अभी नहीं आज तो गोली लिखवा डॉक्टर कर। अच्छा, एक कान वान में केंदवा वेंदवा होते कि बढ़िया साफ सफाई रहते? साफ रहते साफ। अच्छा, एकर सिंह पसंद बढ़िया लगता है आप मल्ला? ओ मारते बच्चा मल्ला की सीधा है? नहीं मारे। अच्छा, आंगनबाड़ी नहीं भेजो मैंने? नहीं भेज। अच्छा, भेजा करो, बढ़िया टिप टाप रही। और ये वाला जो पुदगाहा दिखा थे बाल वाला रुआ वाला, एकर का प्रजाति है? पोखरा है देसी चेगा है, थोड़ा दूसरा है के नस्ल के। अच्छा, दाढ़ी तो बढ़िया जोरदार दिखा था, सैलून उलून लेते का वाला? नहीं लो ओकर पीछे और थोड़ा जो है दूसरा देसी ले, थोड़ा दूसरा पत्थर का। अच्छा, बदमाशी थोड़ा करते? नहीं करे। तो आप मन घरेलू उपचार अपन हिसाब से का इलाज करते हो? डॉक्टर का है बाबू,
कान में केंदवा होते सिंग के टूट जाते या कोई रस रस लागते तो आप मान घरेलू उपचार में का करते हो? घरेलू उपचार तो वो तक नहीं है लेकिन डॉक्टर ला पूछथन अल्बोमार नाम के तो सिरप आते वाला पिलाथन 5 ml 10 ml वैसे पियाथन किलो जान के। ओमे भी यदि तरीका से ठीक नहीं होते तो आगे कैसे करते हो आप मन? ओमे भी अगर नहीं छोड़े तो डॉक्टर ला बुला के सुई भी लगवाथन। अच्छा घरेलू उपचार भी सेका भूंजा या बोरा वरा बांधना या घरेलू उपचार या अंदर में लेके सेका भूंजा करते हो? हाँ तो थन ना। अच्छा और बुखार उखार आए पर भी डॉक्टर बोला तो कि आप इसमें थोड़ा इलाज कर दो? बुखार उखार पर हमन इलाज कर लेते हैं का बीमारी होते आप मन के हिसाब से? आप उससे तक पाला तो? खास बीमारी नहीं हो मतलब सर्दी खांसी ही बस होते। अच्छा रोज सवेरे घुमाना एक प्रकार की योगा बराबर भी काम आते का? हाँ। अच्छा बकरी पालन और भेड़ पालन दोनों में कहाँ अच्छा लगते? बकरी पालन हर अच्छा लगते है, भेड़ पालन तो हमन कभू नहीं करे के करे पर लेकिन मन भी ठीक है हो मन अभी करना चाहिए। चार मन जो बकरी रखे हो साल में बच्चा देने वाला है कि 6 माह में बच्चा देने वाला है कि 1.5 साल में बच्चा देने वाला है? 6 माह में बच्चा देते। अच्छा आप मन जो बकरा रखे हो लंबा होते शरीर है कि गोला घेराकार होते? बकरा हर लंबा भी होते गोल भी होते, जैसे वो हर गोल है लंबा वो सामने वाला एक है वो लंबा होने वाला है। जब जबरदस्त बड़े होते साइज में तब बेचे के प्रयास करते हो कि जब मन लगे तब बेच देते हो? नहीं जब बड़े होते तभी बेचते हैं हम, छोटे बच्चा ला नहीं बेचना। अच्छा कभी कभी मऊहा या मऊहा मन वाला भी थोड़ा थोड़ा पिला तो का बढ़िया हेल्थ आए कहके? नहीं नहीं मऊहा मन तो सिर्फ आदमी मन पीते हैं बकरी मन नहीं पिए। तो सुने हो कि सो बबुल में मन के चर्बी मस्त बाढ़ते कहके? सो बबुल में? हाँ सो बबुल के पत्ती में जितना सो बबुल के पत्ती खिलाओ उतना चर्बी बाढ़ते पेट के गोलाकार बाढ़ते मांस में वृद्धि होते बाल में वृद्धि होते दाढ़ी देखो कर बेचारा के चमचमात है। वो ऐसे सही बात है कि ऐसे सिर्फ सुनने में थे? पता नहीं है उससे तो हम कभी नहीं करे के चर्बी और बढ़ावा कुछ भी उपाय नहीं करे के अपने चमचर बुल के मोटा जाते। उत्तर प्रदेश के तो बकरा मल्ला लाई भी खिलाते हैं जो धान लाई खिलाते हैं चर्बी बाढ़ते बात सही है? हाँ बढ़ते लाई में बढ़ते ना लाई में मौका मौका में खिलाता हमन भी। अच्छा कभी कभी एक्स्ट्रा पेजवासी भाज जाते तो खवाते? हाँ। अच्छा वो तो पेजवासी कई बार हर दिन खवाते मान के चल बाल बढ़ते तो कसिया पिए बकरा मन के भी बाल वाल में वृद्धि होता है? बकरा मन के तो बाल मन वैसे बढ़ जाते हैं उमन नहीं लागे कुछ पिया। अच्छा रेड जाएगा क्या मतलब कंगी वंगी किया करो यार कभी कभी कंगी अच्छा से दाता वाला कंगी लानो ब्यूटी पाल लिया करो सफाई करो शानदार रखो जो ये चकमकात है कर कारण का है भैया? वो खस्सी है ना उकर बर चकमका थे। अच्छा रेठा रहते चकमका लेकिन हमर में नहीं है। अच्छा है सब ठीक है सब ठीक ठाक है। अच्छा आप कहा है भैया शुभ नाम? मेरा नाम कमलेश निषाद है। अच्छा गाँव कहाँ है? गाँव भीखापाली। भीखापाली आप मन अभी पढ़ाई कहाँ तक हो गया आप मन के? मोर पढ़ाई हो गए BSc 1 साल हो गए और ITI हो गए 2 साल। पहली से लेके BSc तक में एक आध बार पढ़े हो का कि मत्स्य पालन बकरी पालन गौ पालन सुअर पालन मुर्गी पालन या मुर्गी फार्म या अंडा फार्म? तो आप मतलब बकरा पालन करे में आगे भविष्य दिखा देगा? हाँ दिखा था ना भविष्य बकरा पालन में भविष्य बिल्कुल है मैं करना भी चाहा हूँ बकरा पालन। आगे शादी वादी हो के बाद दोनों जोड़ी जाओ और बकरा पालन में ध्यान दियो। हाँ। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। और बकरा पालन ला बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हो या भेड़ पालन ला ज्यादा ध्यान देना चाहते? नहीं बकरी पालन ला बढ़ाना चाहते हैं बकरी पालन अच्छा लगते हैं हमला। अच्छा अगर चराया वराया जतन भाव में लो मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा थे? लो मेंटेनेंस है खर्चा ज्यादा नहीं आए पालन में। अच्छा आप मन ला? नहीं 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 मिले के फार्म भरे रहने का। बकरी पालन बर या बकरी पालन ला बढ़ाए बर या बकरी पालन में आप मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाए बर कहीं आप मतलब सेड वेड या पैसा या अनुदान या वो बकरा पालन खरीदे बर कहीं ले मिली से का? नहीं नहीं मिले के दो बार फार्म भरे रहे हैं लेकिन पैसा तो अभी हम तक नहीं पहुंचे हैं। तो पंचायत स्तर में डाल रहे हो या जनपद स्तर में या जिला में या राज्य स्तर में? पंचायत स्तर में डाले रहे हैं। अच्छा आप मन जनपद स्तर में डालो जिला स्तर में डालो मुख्यमंत्री स्तर में जाओ और यदि आप मन मिली तो भरपूर बढ़ाना चाहो? हाँ बढ़ाना चाहो। जो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के है तो आत्मनिर्भर भारत बकरा पाल के आप मन अपन आप में स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बनना चाहते हैं। अच्छा आप मन के बाल बच्चे भी बकरा पालन धरा सकत हो? हाँ धरा सकत है ना अगर ओमन करना चाहे तो। अच्छा अभी शादी वादी के का प्लान है आप मन के? अभी शादी वादी के कोई प्लान नहीं है। लो सर्दी वर्दी हो जाते जुकाम हो जाते या खुर खार खांसते या पैर चले वाले में कमजोरी महसूस होते तो सर्दी हो ले आप मन सबसे पहले डॉक्टर के जाए के पहले का करते हो घर में? मतलब चरहन पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और सब लपिया देते हैं।
या देखो और मान लो ओकर बाद ठीक नहीं होही तो कहां जाथो? ओकर बाद अगर ठीक नहीं होइस तो डॉक्टर डॉक्टर ला पूछथन, डॉक्टर डॉक्टर जाथो। और कभी आप मन सुई खुद लगाए के प्रयास या टेबलेट खरीद के लान के खवाए के प्रयास करथो? हां हम करथन, हम लगा देथन, सुई भी लगा देथन और टेबलेट हम खुद खवाथन। अच्छा, मांस में लगाथो या चमड़ी में लगाथो? उमन के मांस में लगथे, यहां पर कंधा में। अच्छा, गोली वोली भी आप मन खिला लेथो? हां लो खिला लेथो। का का गोली खिलाथो भैया? गोली डॉक्टर ला पूछ के लानथन। कई झन लंबा कान वाला मन तो सनन भी खिलाते हैं, बात हकीकत है, ताकि मस्त नशा में आए, मस्त सूते, मस्त चर्बी बढ़े, शरीर में वृद्धि हो, ये बात सही लगता है आप मन ला? नहीं नहीं नहीं, हमला वो उसे दवाई ला नहीं खिला के हमन। अच्छा हाँ, हमन मेडिकल में जाके खरीद के लानथन गा, मन ला मतलब सर्दी है खांसी है उसे ना पूछ के बता के। आप मन बकरी पालन के उद्देश्य से काबर करे हो भैया? बकरी रखत हो, भेड़ रखत हो, बकरा रखत हो, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी तो आप मन के आगे की प्लानिंग योजना का है? प्लानिंग तो अब चलत है कदे रोजी रोटी हर, लेकिन हम लोग मेन चीज हमारे शौक है बकरी पालन में। और आगे में पर्याप्त तो मात्रा में बढ़ी तो आप मन के प्रोग्रेस नहीं हुई भैया? हाँ हो ही जो। तो और कितना रखना चाहो आप मन कने? दी एस्टीमेट बढ़त जही, प्लानिंग हो जही, शासन के तरफ से 50-60-70 तक भी रख सकत हन। अच्छा, और भी ज्यादा होले 100-150-200 भी मेंटेनेंस करे के मन में है नहीं? हां, लेकिन ओकर पर जगह बनावे लागी ना, तो ओकर पर आप मन अप्लाई करो। हाँ। आवेदन डालो, गवर्नमेंट से मदद लो, कमरा पर मदद लो, दवाई पर मदद लो, और बकरा पालन पर लोन निकालो। लोन निकालने के बाद बहुत सारा स्टॉक भरो, और छत्तीसगढ़ में तो बकरी पालन, मत्स्य पालन ऐसे भी वृद्धि होते, वृद्धि करे के प्रयास करो आप मन। हाँ, वृद्धि करे के प्रयास तो करते छन। अच्छा, बसना से 10 किलोमीटर के दूर भीखापाली गांव में आया हूँ, और भैया से जान परिचय हो गया, बकरी पालन के बारे में बहुत सारा चीज बताए, रहस्य बताए, क्या घाटा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, इनकी दवाई की व्यवस्था क्या है, ऊंच नीच की व्यवस्था क्या है, किसमें कमी, किसमें बेसी, ज्यादा ऊंच नीच, गुड़ दोष, तमाम को बताए के बाद ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी बकरा लेना है, मेलछा लेना है, बकरी लेना है, तो हमारे भैया जी श्री क्या बोलते हैं मिस्टर कमलेश निषाद, कमलेश निषाद जी के पास संपर्क करें, बकरा खरीदें, मिलछा करें, काफ़ी तादाद में इनके पास उपलब्ध हैं, कम से कम रेटों में इनके पास उपलब्ध हैं, जब भी आप कॉल करो एनी टाइम उपलब्ध हैं। और आइए हमारे कमलेश जी के पास, थोड़ा सा बात करते हैं कि आप स्टॉक में भी बेचने के लायक हैं? हाँ, बेच देंगे ना। अच्छा अच्छा, तो जब भी जिस किसी ग्राहक को लेना है तो हमारे कमलेश भाई से संपर्क करें, मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश निषाद है। अच्छा, गांव कहाँ है? भीखापाली। भीखापाली है आपका नाम। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? पथरला। जिला कहाँ है? महासमुंद। और राज्य? छत्तीसगढ़। राज्य। तो इनका आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप ऑनलाइन संपर्क करके भी, व्हाट्सएप के माध्यम से चित्र को देख करके ऑनलाइन खरीदी बिक्री हो तो हमारे कमलेश भाई से संपर्क करें। जी हाँ, नंबर बता दीजिए भैया। 62-63-29-37-45 मेरा नंबर है। अच्छा जी जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया। आप फलो फूलो सब मामला में, फलो फूलो घर परिवार को बढ़िया सुव्यवस्थित रखो, माता रानी की कृपा हमेशा रखो, माता रानी की रोज पैर दबाना, सेवा करना, मस्त खिलाना पिलाना।